लाइव स्नोफॉल चल रहा है। अच्छा हाँ जी, स्नोफॉल मतलब सर बर्फबारी हो रही है वहाँ पे ऊपर। बर्फबारी हो रही है। हाँ जी, आप बात है, फिर तो मजा आएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को यार। बर्फबारी हो रही है, लाइव स्नोफॉल है ना। हाँ, फिर तो खूब मस्ती करने का मजा रहेगा, क्यों है जी, है कि नहीं? बहुत बढ़िया यार। यहाँ पे बताया कि ऐसे कपड़े पहनना पड़ेंगे जब हम चांद पे जाएं। हमने वीडियो देखी थी कि वो जो चांद पे पहन के जाते हैं वो कपड़े पहनना था। सॉक्स ग्लव्स जो लेना है ना वो फोर से लोग इनवर चांद पे पहनना है। इस प्रकार के कपड़े तो तुम्हें पहनने बड़ा अजीब सा अनुभव हो रहा है। तो मजा लग रहा है, ठीक है। तुम कौन से कम गिर रहे हो, तुम भाई वीडियो कारखाने में मजा लग रहा है। सबसे अच्छा मुझे पर्सनली बताऊं तो सर्रू का लग रहा है। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. वो मंजर देखने लायक तो बस है, बस बाकी में भी पूछो मैं शब्द नहीं है। Go, hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice way. बर्फ काट कर रास्ता बना दिया गया, इतनी बर्फ हो रही है आसपास, वही देख रहा हूँ बाकी में भी। ट्रैफिक जाम हो गया है तो एक चीज कैमरा मारे वाली हल्की हल्की जो है बर्फ गिरती हुई दिख रही है मुझे। अपन नीचे तो देख, नदी जम गई यार, नदी जम गई, वाकई में भी बर्फ गिर रही है। इससे बेहतरीन नज़ारे तो कहीं के भी रह सकते हैं सब, लग रहा है दुनिया जबरदस्त गाड़ी घूम घूम के सांप की तरह आ रही है। सब मारो, सब पाँव मारो, तो इसमें पाँव मारो मतलब अभी कड़कपन तो है थोड़ा बहुत, मतलब ये पाँव में घुसती होगी इसलिए पिनवा अपने घूमते हैं तो। ये पाँव में घुसती होगी इसलिए पिनवा देते हैं। ये जगह पर घूमने के लिए बेहतर है, रहने के लिए बेहतर नहीं है कि सर्दी में तो मर जाए। हालांकि बता रहा है कि जो ये जो यहाँ का जो तापमान है वो अभी बस 0 के आसपास है। हमने जो है -47 की भी वीडियो देख चुके हैं हम, उसके अंदर लोग रहते थे तो उनको देख के वो सोच रहा यार वो कैसे रहते थे यार। ऊंचाई पे इसके तथ्य को आप समझो, आप 10,000 फीट की ऊंचाई बता रहे सर जी कि इस टनल को बनाया गया 9 किलोमीटर लंबी, तो ये कितनी जबरदस्त होगी, मतलब विज्ञान का बहुत इसमें जो है कि मतलब योगदान है। नायन भाई ये बात भूल गए आपके, दुनिया की पहली टनल है जो उतने ऊंचे पर बनी हुई है। अच्छा अच्छा, फिर वो सबसे लंबी टनल बता रहे हैं दुनिया की। मेन बात तो ये रहेगी कि इसके बाहर से निकलने के बाद क्या नज़ारा रहेगा, ये मेन बात रहेगी, बाकी में भी देखने लायक नज़ारे रहेंगे ऐसा लगता है मुझे। भाई क्या नज़ारा है,
दी उन्होंने यार यार की जमीन पे चला यकीन नहीं हो रहा हमें। बर्फ की भी जमीन होती है और स्नो आवे जैसे स्नो और क्या चीज वो पहाड़ तो दिख नहीं मानो है धक्का आसमान से मिल रहा है हमारे देश में ये बोलते हैं कि धरती का स्वर्ग वाकई इस इलाके को धरती का स्वर्ग बोलते हैं। पूरा कश्मीर पूरा हिमाचल प्रदेश पूरा इलाका ये बर्फबारी वाला है। समस्या वाली बात हो रही है सही पर बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि बहुत नया अनुभव है बहुत, मगर थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अगर जैसे बहुत सारा बर्फ आ गया और सब दब गया तो दब गए तो हम भी दब जाएंगे हम भी दब जाएंगे। और थोड़ी सांस लेने में बार बार लग रही है, थोड़ी समस्या हो रही है। सांस हल्की बोल की दिक्कत हो रही है, बोल रही है यार लोग यहाँ पे रहते हैं वो क्या वजह सांस मक्का काम है। बता रहे थे कि ऊंचाई पे है वो घर तक बने यहाँ पे कैसे जीवन बसर कर रहे यार। ये इस तरह के मकान तो मैं वीडियो में देखता था यार, वो सर जी बताते थे कि बर्फ के बीच में इस तरह के बनाते हैं मकान। यहाँ तो क्या छत बन पाएगी यार, ये तो कपड़े कैसे सुखा पाएंगे अगर कपड़े गीले वो हो जाए। छावा मोटे कपड़े पहन लिए। तो इस इलाके में रह नहीं पाया। अगर आप मेरे से पूछो कि सर्रू तुम रह पाओ, मैं तो नहीं रह पाऊंगा। हम भी नहीं रह पाए। देखो जहाँ तक नजर आ रही है बर्फ ही बर्फ गिरा है, वो पहाड़ तक ढक गए बर्फ के। देखो वो पहाड़ से लग गया आसमान से मिल गया जाके। अच्छा एक चीज और देखो आप कि ये यहाँ पर रहनी मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल इस इलाके में रहना मुश्किल है। इसलिए जो है कि मेरे दादाजी बोला करते थे कि बेटा जो मैदानी इलाके है नहीं जहाँ जमीन समतल रहती है वही वसावट हुई है। ये ऐसे इलाके में कौन रह पाएगा बताओ। घर की औरतें बीमार हो जाए, बुजुर्ग बीमार हो जाए, मत की बात है वो, बच्चे बीमार हो जाए, जो लोग रह रहे हैं बहुत बड़ी बात है वो। सही, किसी चैलेंज से कम नहीं है ऐसे जगह पे रहना। मैं तो सलाम करना चाहूंगी ऐसे लोगों को जो ऐसी जगह पे रहते हैं।
भैया काफी वो जरूरी थी इस टाइम पे, तो अच्छा करा आपने काफी ले ली। थोड़ा ऐसा लग रहा है मेरे खून के अंदर गर्माहट सी है। इस इलाके में नदी बह रही है, ये इस तरफ से नदी बह रही है जो अपने रास्ते में से दिखी थी। तो सर जी बता रहे थे कि ये नदी अपने हिंदुस्तान से पड़ोसी मुल्क में जाती है, और इतनी बड़ी नदी है, इसका नाम है चिनाब नदी। नदी देखकर तो खुश हो जाते हैं अपन। कहाँ तक जा रही हूँ नदी तो देखो, मेरा दिल हो रहा है नीचे तक चले पानी तक। नहीं गिर पानी तक जाएंगे तो फिर गिर जाएंगे शायद, हम लोग अकेले रहेंगे। हाँ वही भी तो नजर आती है, देखो एक अद्भुत अनुभव हो जाएगा नीचे अगर चलते हो। अद्भुत तो नजारे दिख रहा है मेरे को, देख लो वहीं से बेकार यहाँ पानी ऐसे लग रहा है। वो सामने है टीले, वो मकान बने हुए हैं। अब ऐसे मकान में कौन रहता होगा भाई, वो सामने वो देख वो झोपड़ी बनी है। हाँ 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 कैसे ले लेते हम लोग यार, इतना रिस्की खाते हैं, बड़ा मुश्किल है यहाँ तो है ना। और यहाँ पर जो है कि दर्शनार्थी और जो घूमने वाले यात्री लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आए, मतलब ज़्यादा है, दो घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो हमें बड़ी मुश्किल और का सामना करना पड़ा है बाकी में। सही बात है भैया, बाबू भैया को नहीं लाद अच्छा करा, क्योंकि बाबू भैया को दमे की शिकायत है, अगर वो आते तो वो कार से बाहर नहीं निकलते, वो बीमार पड़ जाते कि दमे की शिकायत में सांस फूलती, अपनी सांस फूल रही। वहाँ से चढ़ा पहाड़, वहाँ से होते 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 पीछे भी पहाड़ दिख रहा है, वहाँ तो बर्फबारी हो रही है, धूप पड़ रही है, धूप पड़ इलाकों में बर्फबारी हो रही। अरे ये क्या है, अरे तेरी की ये है तो किसने बर्फ तो करना बार बार आ रहा है, मोलू मोलू का देख के तो मुझे मेरे बच्चों की याद आने लगी। अब बनाया वाकई में भी जबरदस्त। अरे क्या कर लो, हाँ राही बहुत बढ़िया क्या कर लिया और बर्फ जो गिर रहा था पहले तो कम गिर रहा था, पर अब जो बर्फ है बहुत तेजी से गिर रहा है। मौसम तो इतना घातक हो गया है कि हमको भागना पड़ा है, क्योंकि पूरा बर्फ में नहा गए थे हम, वो हमारे कार के ऊपर तक बर्फ जम गया, ऐसा लग रहा है कि बस सड़क भी दिखने नहीं वाली, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, धुंध छा गई बर्फ की।